हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक नया व्लॉग। तो अभी आज मैं और कुहू जा रहे हैं वेस्ट साइड। बेसिकली मेरे पास ना तो स्लिंग बैग है ना ही मेरे पास, मैंने बताया मैंने बहुत सारे कपड़े डोनेट कर दिए हैं, मतलब दे के आ भी चुके हैं हम लोग। जो लास्ट व्लॉग में आपने देखा मैं एडिट कर रही थी, मैं सोच रही थी, मैंने कहा शिट यार, मैंने ये तो बताया नहीं कि मैंने ऑर्गेनाइज कैसे करी है वार्डरोब। वो मैं बताऊंगी आपको, भी मेरे ऑर्गेनाइजर्स वगैरह आ रहे हैं तो अभी तो सिर्फ मैंने डिक्लटरिंग करी है, ऑर्गेनाइज नहीं किया है। सो मैं और कुहू जा रहे हैं, तो वह दिन में मैंने प्लान बनाया और अभी मैं एग्जीक्यूट भी कर रही हूँ उसको। तो अभी मैं जा रही हूँ, ये मैंने पहना हुआ है ट्रू ब्राउन्स का कुर्ता। एक्चुअली दिस इज अ कुर्ता जिसको मैंने थोड़ा सा इन कर लिया है और पहनी हुई हूँ मैं डेनिम। तो मैं थोड़े दो तीन घर में पहनने के टी शर्ट्स वगैरह लेकर के आऊंगी। और यस, मैं कुहू को लेके जा रही हूँ। विक्की आज वर्क फ्रॉम होम घर से ही है, बट मैं इसलिए भी लेकर, एक तो पहली चीज जो हमारा वेबसाइट है वो प्रिमाइसिस में ही है, तो मैं एक एक्सपेरिमेंट भी कर रही हूँ देखने के लिए, चेक करने के लिए मैं मैनेज कर पाती हूँ कि नहीं, अच्छे से अकेले गाड़ी में सीट लगी हुई है वो सीट पे बैठ जाएगी। और अपना जो कार्ट है वो भी लेकर के जा रही हूँ, मतलब स्ट्रॉलर भी लेकर के जा रही हूँ इसका, तो वहां पर स्ट्रॉलर के थ्रू उसको मैनेज कर लूंगी। तो लेट्स सी, पास में ही है विक्की, घर पे कुछ होगा तो विक्की को बुला लूंगी। विक्की बोला मैं छोड़ के आ जाता हूँ, मैंने कहा यार मुझे ना अकेले कर रहे, तो मेरे को कभी कभी मेरे को थोड़ा अकेले एक्सप्लोर करने में ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं अकेले खुद से मैनेज कर सकती हूँ, तो वही करने के लिए जा रहे हैं। और आज कुहू बनी है, विक्की इसको बोलता है फरारी ड्रेस, हालांकि इसके पास रेड कलर के सॉक्स भी है बट वो फिर कुछ ज्यादा ही रेड हो जाता, तो ये वाले बनाए व्हाइट पे रेड डॉट डॉट डॉट। और हम चले वेस्ट साइड कर दो। अब हम मोबाइल पे मिलते हैं आप लोगों से। ये कुहू और मम्मा जा रहे हैं। चलिए गाइज, हम लोग बैठ गए हैं और निकलते हैं भगवान का नाम लेकर के। आया, लेट्स गो। सो वी रीच्ड हियर और ये निकाल लिया है मैंने इसका कार्ट, और अब कुहू को निकालती हूँ मैं गाड़ी में से। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं सिलेक्शन के लिए निकाल ली है, और अभी तक को ये है। अब मैं जा रही हूँ ट्रायल रूम में अंदर। लेट्स गो, कीपिंग इट हियर। वी आर बैक। हमने इतनी मस्ती करी है कि ये सॉक्स उतार दिया है और हेयर बैंड उतार दिया है। चलो लेट्स गो। ये कार में सो भी गई थी इसलिए मैंने विक्की को बुलाया, फिर उठ गई जैसे हमने उसको उठाया तो घर आ गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है महाशिवरात्रि। तो आप लोगों को पता होगा अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो, कि मैं मिट्टी के शंकर जी बनाती हूँ और फिर पूजा करती हूँ उनकी, तो मैं यही करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने पूरा प्रिपरेशन पंडाल छोटा सा एक बनाया हुआ है, आइए वो आप लोगों के साथ शेयर। मैंने सिर्फ सोचा था कि मैं कैमरा उठाती हूँ बट उस टाइम पर कुहू सो रही थी, अब भी जस्ट सो करके उठी है। तो आज इसको अभी पूरा एक डेढ़ घंटा विक्की संभालेगा, तब तक मैं फटाफट से जितना स्पीड में हो सकता है उतना स्पीड में पूजा वगैरह सब करूँगी। तो आइए आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे डेकोरेट किया है। दिस इज व्हाट आई हैव डेकोरेटेड। मैं कल सब पूजा का सामान वगैरह भी लेकर के आई हूँ, तो मैंने निकाला भी नहीं है फिलहाल, तो ऐसे ही यूज़ करूँगी। और ये भोग की जो थाली है ये मेरे पास ब्रास का है, जो कि आज फर्स्ट टाइम यूज़ होने वाली है, वो रखी है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बस वॉश ही कर रही थी बाकी की सारी चीज़ें जो भगवान की है पीताम्बरी से। ड्रेस है, ड्रेस क्या है, ये साड़ी है एक्चुअली, येलो कलर की कॉटन की साड़ी है। वैसे मेरी नहीं है, ये मेरी मम्मी की है, लिनन कॉटन, बहुत प्यारी है। और ये है कुहू का ड्रेस, बड़ा प्यारा सा है, ये सॉक्स उसके, और इन दोनों हैबिट में से देखते हैं कौन सा लगाते हैं। और विक्की के पास भी येलो कलर का कुर्ता है तो वो पहन लेगा। अरे कुहू, हेलो, गुड मॉर्निंग। गाइस, शॉवर लेने का टाइम आ चुका है और ये कुहू बैठी हुई है विक्की के पास। आज विक्की उसको पूरा अटेंड कर रहा है। मैं फटाक से जाती हूँ शॉवर लेकर के आती हूँ, देखो उसको कितना कैमरे में देखना है। लो, ये लो, शॉवर लेकर के आती हूँ। और फिर अभी तो मैंने ये ड्रेस निकाल के रखी है, अभी मैं साड़ी नहीं पहन रही हूँ, साड़ी में जब शायद मंदिर जाऊँगी तब पहनूंगी। लेट्स सी, आई जस्ट टुक शॉवर और अब फटाफट से मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ। दो
दोस्तों, सो आई एम रेडी. मैं रेडी इसलिए हो गई हूँ बिकॉज मैं दिन भर से रेडी नहीं हुई थी. मैं सिर्फ वही कॉट सेट पहन के घूम रही थी. और अभी एक्चुअली निशा आने वाली है और भैया आने वाले हैं, ऐसे ही शिवरात्रि मिलने के लिए और कुकू से मिलने के लिए आ रहे हैं वो. तो हम सब ने डिसाइड करा था कि हम येलो कलर का वो करेंगे और फोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे. तो आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटिफुल साड़ी. इसके ऊपर आप ये बॉर्डर्स देखिए, आपको ये दिख रही है ना, अलग कलर की, थोड़ा सा गोल्डनिश टाइप का. तो ये मस्टर्ड येलो कलर की साड़ी है एंड सच अ कंफर्टेबल साड़ी है. मेरी मम्मी की साड़ी है और मेरी मम्मी ने भी इसको अच्छा पहना है. दिस इज़ प्योर लिनन कॉटन जो आजकल बहुत एक्सपेंसिव आती है. तो ये हैंडलूम की साड़ी है जो बहुत पहले मेरी मम्मी ने ली हुई थी. मेरी मम्मी के पास एक से एक साड़ी का कलेक्शन है. तो ये मैं लेकर के आ गई थी बिकॉज एक तो इसका कलर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकेंड बहुत कम्फर्टेबल है, तो गर्मी में मैं पहन सकती हूँ इसको. सो ये मैं पहनी हुई हूँ. कुहू का ड्रेस दिखा दूँ, आ जाओ. ये पहना हुआ है येलो कलर का ड्रेस. हेलो, हाय. तो उनमें ये हर चीज अपने मुंह में डालती है. से रेडी कर देती हूँ, टचअप कर देती हूँ इसको. रेडी क्या, चलो सीधे हो जाओ, 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 सीधे हो जाओ. ये कू रेडी हो गया है. आहा, ओहो, हेलो जी. मुंह टीका लगा ले बाबू. रुक, हाँ रुक गई वो बाबू. रुक होने का, अब हम छोड़ने जाएंगे. चलो आ जाओ, एक ग्रुप फोटो खींच लो. ओके गाइस, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं. हम लोग अभी जा रहे हैं तनिष्क. और क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ. सो इफ़ यू गाइस रिमेंबर, आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये रिंग मैंने ली थी, और ये मैंने ली थी फ्रॉम तनिष्क. इसके लिए मैं इसको, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी डाला था दिसंबर नवंबर में आई थिंक. इसका जो एक डायमंड है स्टड, आप देखेंगे ना साइड से, ये निकल गया था. तो मैंने रिपेयर के लिए डाला था. मतलब कभी मेरे साथ, मैं बहुत टाइम से तनिष्क का डायमंड पहन रही हूँ और मेरे साथ लिटरली कभी ऐसी कंप्लेन नहीं आई. इनफैक्ट ये जो साथ में रिंग पहनी हुई, मैं तनिष्क की पहनी हूँ, सब तनिष्क पहनी हूँ मैं, बट कभी मेरे साथ डायमंड में लेकर के कोई कंप्लेन नहीं आई है. मैं तो तनिष्क के डायमंड की हमेशा तारीफ ही करती थी, बट ये निकल गया. तो मुझे लगा हो सकता है कि, और उस टाइम तो मैं कुछ काम भी नहीं कर रही थी बिकॉज मैंने जस्ट डिलीवर किया था. तो मैंने उनको जा करके बताया ये वाली ऐसी ऐसी चीज़ है. तो हालांकि उन्होंने मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर दिया, और जबकि चार्जेबल होता है उन लोगों का डायमंड. तो उन्होंने वो कर दिया, रिपेयर कर दिया. और फिर मैंने उनको बोला अगर फिर से निकल गया तो उसने वहाँ जो भोपाल में था वो बंदा, उसने मुझे ये चीज़ गाइड किया था कि माइट बी पॉसिबल समटाइम्स ऐसा होता है, हज़ार में से एक पीस ऐसा होता है जो बहुत अच्छे से, मतलब अगर आपका एक बार निकलना स्टार्ट हो गया ना तो ये निकलता जाएगा डायमंड. तो अब की बार अगर आप निकले तो आप ट्राई कर लेना, इसको चेंज ही कर देना. तो अब क्योंकि ये मेरी मदर्स डे गिफ्ट है, फर्स्ट मदर्स डे गिफ्ट है, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था. आई थिंक मैंने ये वीडियो में स्पेसिफिकली बोला था कि इस स्पेसिफिकली रिंग को मैं कभी चेंज नहीं करूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि विद इन वन मंथ में अब एक की जगह ना इसके दो डायमंड्स निकल के, देखिए एक निकला उसके बगल वाला भी निकला, छोटे छोटे डायमंड्स लगे हुए हैं साइड्स में. तो वो है, तो अभी इसको देखती हूँ मैं क्या करने के लिए, क्या होने वाला है. तो निशा को भी कुछ तनिष्क में काम था, तो अभी हम लोग जा रहे हैं. और मैं पहनी हुई हूँ ये कॉर्ड सेट, बहुत ही मस्त कॉर्ड सेट है. मैं वेस्ट साइड गई थी ना जब, तो लेकर के आई थी. दिस इज़ माय कॉर्ड सेट, बहुत सही सा है ये. तो ये है, और इसको मैं हाथ में पहन लेती हूँ, कहीं रखने से तो ज़्यादा बेटर है कि भाई हाथ में पहन लो. तो बस निकलते हैं, कुहू को हम लोग लेकर के जा रहे हैं. थोड़े बाल वाल ठीक करूँगी मैं, और यस लेट्स गो. ओके गाइस, हम लोग आ चुके हैं, और जो स्टोरी है वो आपको अभी बाद में आराम से बताऊंगी. सबसे पहले यहाँ पर ये जो पूरा मैस हो रखा है ना, दिख रहा है सब कुछ, इसको फटाफट से सॉर्ट करते हैं. ओके गाइस, और आज हम लोग आए हैं आश्रम. ये एक आश्रम है जो थोड़ा सा थाने से आगे आकर के, मैं आपको बाकी डिटेल्स बताती हूँ यहाँ के बारे में.
तो जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो काम हमारा हो चुका है सक्सेसफुल। अब लेट्स सी, बताऊंगी मैं आपको जब वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज अभी इट इज इन प्रोग्रेस है। ये चारों बहनों का विवाह चारों भाइयों के साथ हो रहा है, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का विवाह। मैं क्या किया था उस टाइम पे, 9 लाख गाय दी थी। Hi guys, good morning. So, आज है मंडे। अभी एक्चुअली क्या होता है ना, फ्रीक्वेंट व्लॉगिंग नहीं हो पाती है। फ्रीक्वेंट मतलब बैक टू बैक मेरे थोड़ा मिस हो जाता है। अभी आएगा वो भी धीरे धीरे से। सो हुआ ये है कि कल नहीं, आई थिंक परसों जो निशा है और सुनील भैया है, उनके हस्बैंड जो है, ही सो फॉन्ड ऑफ कुहू। वो ना निशा बताती है कि मेरे को बिना बताए मतलब मेरे को बताया नहीं कि बेबी हक जाना है। यहाँ पे हमारे यहाँ द वॉक है पास पे, तो वहाँ पर बेबी हक का पूरा स्टोर है। वहाँ ले गए कुछ और बोल करके, और कुहू के लिए गिफ्ट आ गए। ये देखिए, तो एक बड़ा प्यारा सा नाइट सूट आया है। हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा है साइज में, 6 to 9 months का है। तो और ये एक बहुत ही क्यूट सी फ्रॉक है। तो उन्होंने मेरे को बोला है कि इसको पहना करके फोटो भेजना मेरे को। हमारी जो यहाँ पर पेंडेंट लाइट लगा रखी थी ना, वो खराब हो गई थी। तो हमने कह रही हूँ, तो हम लोगों ने जितनी भी लाइट्स ली है सब LED वाली लाइट ली है। मतलब ये वाली भी जो है ना, यहाँ पर जो लगी हुई है, ये लगी हुई है भगवान के यहाँ पे जो लगी हुई है, ये सब ना मैंने उनसे ऐसे पूछ करके ली थी। इतनी महंगी ले रही हूँ तो मैंने बोला था रिपेयरेबल है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारी फैंसी लाइट्स रिपेयरेबल नहीं होती हैं। तो उन्होंने बोला था कि सब रिपेयरेबल हैं, सबके अडेप्टर चेंज हो जाएंगे, और अडेप्टर हार्डली 300-250-300-400 रुपए तक में आ जाता है। तो वो वाली जो लाइट है वो ख़राब हो गई थी, काफ़ी दिन से ख़राब थी। और वो ख़राब ऐसी हुई थी कि ऐसे भट्ट से ब्लास्ट सा आवाज़ आया था और पूरा हमारे घर की लाइट चली गई थी, मतलब MC गिर गई थी। और जो दूसरा रूम है उसका फर्नीचर हमारा पूरा 95% तक रेडी है। बट एक्चुअली हुआ है पंगा ये है कि जो हमने गद्दा बनवाया ना, मैटर अभी मैंने दिखा रही आपको वहाँ पे क्या बना है, जो मैट्रेस बनवाया ना उसका थोड़ा सा पंगा हो गया है। और साथ में अभी हमको हेडरेस्ट बनवाना है, बाकी ये रेडी हो गया है जो ये लॉफ्ट बनवाई है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये करिए, मैंने यहाँ के कर्टन्स चेंज क्या कर दिए, मैं वही जो मेरे पास है। हाँ, तो हम पुराने कर्टन्स ही यूज़ कर रहे हैं सारे। अभी मैं एक शॉप पे देख के आई हूँ वैसे, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे, मतलब ठीक रेट लगा मुझे उनका। तो मुझे वो थोड़े अच्छे लग रहे थे, लिनन के थे, मुझे लिनन कॉटन बहुत पसंद आता है, तो मैं सोच रही हूँ लेने का। पीछे आप देखेंगे तो मैंने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है। जो वो मिरर लगे हुए हैं ना, उसके ऊपर जो ब्राउन कलर का मैश लगा था, देखिए एक ऐसा मैश टाइप पे लगा था, उसको मैंने पेंट कर दिया वाइट, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर दिए हैं ऐसी, बिकॉज मैं देख देख के ना बोर हो गई थी, तो आई जस्ट चेंज फ्यू थिंग्स। और आज कल और परसों 3 दिन कुहू की मालिश वाली आंटी नहीं आएगी, तो अभी मुझे मालिश करनी है और नहलाना भी। आई थिंक मैं जितनी बार भी व्लॉग बनाती हूँ उस टाइम ऐसे ही होता है। तो वो 2 दिन होता है उनका, और अभी उनको कहीं आज जाना था तो वो 3 दिन छुट्टी पे है। कुहू का मैं सोच रही हूँ विक्की है तो मैं नहला भी दूंगी, हालांकि विक्की इसकी बहुत हेल्प नहीं लगेगी मुझे, बट एक थोड़ा लगता है कि वो नहला रही हूँ मैं, क्योंकि ये ना बहुत चुलबुली है, मतलब बहुत हिलती डुलती ज़्यादा है, अब ज़्यादा करने लग गई है। तो एक कोई होना चाहिए बैकअप में, अदरवाइज नहला तो मैं देती हूँ, बट स्टिल। गुड मॉर्निंग मके साथ नहा लिया है, अब हम तैयार होंगे। अरे अरे अरे, अब उसको सोने का टाइम हो गया भाई, अब शी कांट वेट। तो अब मैं इसको सॉडल करूंगी इसमें और इसको सुला दूंगी। जस्ट टुक शावर और आज मैंने पहना हुआ है एक तो ये वाला टॉप, और साथ में दिस इज द डेनिम स्कर्ट, एक्चुअली क्यूलोट है ये का, सो दिस इज लाइक अ डिवाइडर है इसमें। तो हाँ दिखा रहे ओके, ओके। तो इसमें ऐसा डिवाइडर टाइप का है,
तो दिखने में ऐसा अपीयरेंस देगा कि ये स्कर्ट है, बट इट्स फ्रॉम अर्बेनिक, वो भी कोलैबोरेशन में मेरा आया था। अभी जस्ट मैं शावर लेकर के आई हूँ और शावर लेने के बाद अभी भी मेरा जो मॉइस्चराइजर मैं लगा रही हूँ वो यही लगा रही हूँ, डॉक्टर प्रिस्क्राइब फिजियो जेल। और अब मेरी जो स्किन की कंडीशन है वो बैक टू नॉर्मल हो गई है, मतलब जो मेरे को रिएक्शन हुआ था फेस पे वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। मैंने अभी एक और चीज़ मंगवाई है रिसेंटली, दिस इज़ द ऑयल, बहुत अच्छा हैंडमेड होममेड ऑयल है ये, आयुर्वेदिक ऑयल है ये। तो लेट्स सी, अभी मैंने ट्राई करके नहीं देखा है बिकॉज मुझे टाइम ही नहीं मिला है, रात को इतनी हड़बड़ी होती है बेड टाइम की कि मैं क्या बताऊँ आपको, मैं ट्राई कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो अभी बस मैं ये थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा रही हूँ, क्रीम के अलावा मैं कुछ भी नहीं लगा पाती हूँ। दिस इज माई रूटीन एंड आई गॉट रेडी लाइक दिस। अच्छा, मेरे पास काफी सारे क्वेश्चन आते हैं मेरी वॉच को लेकर के, जो मैं अभी रेगुलरली पहन रही हूँ। सो कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या फॉसिल वाली वॉच है, नहीं ये फॉसिल वाली नहीं है, वो तो मेरी भोपाल में ही छूट गई है। दैट्स अ स्मार्ट वॉच, यू कैन वेयर इट एट होम एज वेल। इसका सा ना उसका जो डायल है वो इतना लाइट वेट नहीं है जितना लाइट वेट ये डायल है। तो जब मैं प्रेगनेंट थी ना, सो आई वॉन्टेड अ स्मार्ट वॉच जो बिल्कुल लाइट वेट हो और बहुत आराम से मैं कैरी कर सकूँ, बिकॉज मैं वॉक वगैरह करती थी एक्टिविटीज ट्रैक करने के लिए। तो मैंने फिर ये वाली वॉच खरीदी और ये मैंने शॉप से परचेस करी है। इसका कवर रखा हुआ है मेरे पास बिकॉज ये ऑनलाइन अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये है फायरबोल्ट की वर्गो वेमेंस स्मार्ट वॉच। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसका जो डायल है वो बहुत छोटा है, देखिए इस्ट में एकदम अंदर आ जाता है। उसके बाद इसका जो स्ट्रैप है वो बहुत ही पतला है, गर्मी नहीं लगती है इसमें, बहुत सही लगता है मुझे। कलर वलर भी ऐसा है कि न्यूट्रल सा है तो हर चीज़ में चला जाता है। इसके जो फंक्शन है दे आर अमेजिंग, मतलब दिस इज द वॉच विच आई एम वेयरिंग, आप देख ही रहे हो मैं काफ़ी टाइम से पहन रही हूँ, पूरी प्रेगनेंसी मैंने इसको पहना हुआ है। और कुहू को हैंडल कर लेती हूँ मैं इस वॉच में बिकॉज ये बहुत सॉफ्ट है, उसको हाँ आपसे बात नहीं कर रहा कोई भी, तो ये आराम से चेंज हो जाता है, उसको लग रहा है कि मुझसे बातें कर रहे हैं तो पीछे से आंसर कर रही है हर चीज का। कुकू जो है बड़ा प्यारा सा ड्रेस पहना हुआ है, ये देखिए लड़कियों की ड्रेसेस तो लिटरली बहुत प्यारी प्यारी आती है, और हेयर बैंड लगाने के बाद उसमें और चार चांद लग जाते हैं। तो ये पेस्टल पिंक कलर पहनी हुई है, इसके पास बहुत सारे पेस्टल कलर्स हैं, गर्मियों के लिए एकदम जबरदस्त है। वैसे इसके साथ ना ये नहीं आया, ये मैंने अलग से पहनाया है। हाँ ये मैंने अलग से पहनाया है इसको, अदरवाइज ये अकेला है। जब बहुत गर्मी होगी ना यहाँ पर, जब नहाने के बाद भी पसीने निकलेंगे तब मैं इसको ये पहनाऊंगी। वॉच काफ़ी अच्छा है, मैं ढूंढूंगी लिंक, अगर अमेजन वगैरह पे कहीं मिल जाएगी तो मैं नीचे डाल दूंगी। मेरी रिंग है जो मैंने डाली थी तनिष्क पे, उसका अपडेट ये है कि वो लोग मुझे बताएंगे रिंग के बारे में आफ्टर 10 डेज। 10 डेज के बाद मेरे पास अपडेट आएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे तो मैंने प्रॉपर रिक्वेस्ट यही डाली है कि मुझे अब वो नहीं पीस चाहिए, या तो अब मुझे उसी पीस का सेम पीस नया बनाइए दीजिए, क्योंकि बार बार तो अब ये निकलता ही जाएगा और मेरे पास छोटा बच्चा है, व्हाट इफ इन केस कहने में चला गया, किसी भी चीज़ में जा सकता है ना। तो मैं उस रिंग को अब लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या तो आप मुझे उसको चेंज करने की अथॉरिटी दीजिए जितना अमाउंट में मैंने उसको परचेस किया विदाउट डिडक्शन ऑफ मेकिंग चार्जेस एंड ऑल। तो ऐसे मैंने रिक्वेस्ट किया है उनको, लेट्स सी 10 डेज बाद। अभी वो बोली मेरे को, हम तो ओनर है नहीं तो हम फैक्ट्री डालेंगे, आपका कंसर्न रेस करेंगे। इस तरह से केसेस यूजुअली 1000 पीसेज में से एक पीस में आता है, जो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास आ गया है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। और अभी इसके बाद अब मेरा डायमंड्स पे से पूरा तरह से ट्रस्ट हट चुका है, मतलब मैं बिल्कुल अब डायमंड्स खरीदने के फेवर में ही नहीं हूँ, मतलब मेरा आई एम डन विद ऑल द डायमंड्स। जितना लेना था मैंने सब ले लिया है, अब मेरे को क्या ट्राई करने का मन है, लैब ग्रोन डायमंड एक बार। लेट्स सी, अगर मुझे यहाँ से रिफंड मिल जाता है तो फिर मैं इसकी जगह जो भी होगा आई विल अपडेट यू, है ना, रिव्यू बनाऊंगी फिर मैं अच्छा सा लैब ग्रोन डायमंड के ऊपर भी, पर पहले हम तो खरीद लें, हम तो लेके देखें। चलिए तो अब मैं इसको सुलाती हूँ या खाना वाना खाती हूँ, लेट्स सी क्या करने वाली हूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। ओके गाइज, हम उठ गए हैं, हमारी नींदी पूरी हो चुकी है और अब टाइम है कपड़े चेंज करने का। ओके गाइज, हमारा कुहू रेडी हो गया है, और ये मत समझना कि ये कैप इसने कान ढकने के लिए पहनी है, ये स्टाइल के लिए पहनी गई है बिकॉज ये इसका मैचिंग पूरा सेट है। अब कब पहनाएंगे, नहीं तो ये देखिए इतना प्यारा ड्रेस है ना, दिस इज़ फ्रॉम फर्स्ट, सब कुछ फर्स्ट क्राई से। बहुत सारे लोग पूछते हैं आप कहाँ से लेते हो, दिस इज़ मोस्टली फ्रॉम फर्स्ट क्राई। ब्रांड्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि बेबी ओए है, फिर बेबी हक हो गया, और ऐसे अलग अलग होता है। कभी कभी मैं कुछ मिंत्रा से भी लेती हूँ कुछ स्पेशल ड्रेसेस। अच्छा, अब उसको नींद आ रही है, शाम का टाइम हो गया, 6 बजे वो सोती है, 6 से 7 अभी उसको सोने का टाइम है।
हाँ जी सुन लिया है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं उसको सुलाती हूँ, वो पूरी फ्रेशन अप हो चुकी है। ओके गाइस, तो कुहू को लेकर के मैं जा रही हूँ वॉक पे। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। आ गए हम आ गए। ओके गाइस, तुम लोग आ गए हैं घूम करके, और ये है कुहू। क्यों इतनी हंसी आ रही है भैया? तो क्रैंकी हो चुकी है वो, पता नहीं कैमरा देख के क्यों हंसी है। 9 बज गए हैं और ये इसका सब रेडी हो चुका है। फटाफट से मालिश करूंगी, कपड़े चेंज करूंगी, खुद चेंज करूंगी, और आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। बाय।